फर्स्ट रिएक्शन इस पर आ रहा है। मैंने कोई नाराजगी नहीं जताई, होगी बात। तो आपको बता दें गुर्जर आरक्षण के मसले को लेकर आज अहम बैठक थी, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि गुर्जर आंदोलन में मारे गए लोगों की विधवाएं भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंची, और जो तमाम केस चलाए जा रहे हैं उनको वापस लेने की जो मांग की जा रही है उसमें किस केस की क्या स्थिति है, कहां पर क्या हालत है, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो बैंसला भी पहुंचे, उनके बेटे को भी आप देख सकते हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए ये गुर्जर नेता पहुंचे थे। अपन कुछ नहीं बता रहे, अच्छी बातचीत हुई है, बस बात खत्म हुई। ये विस्तृत चर्चा हुई है, देखिए विस्तृत। आओ आओ तो सही, एक मिनट गुरु जी को आ जाओ, एक एक आज गुर्जर आरक्षण के संबंध में गुर्जरों से जो आरक्षण मंच के हमारे बैंसला जी हैं उनके साथ बैठक हुई, उनके साथी लोग भी आए और काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कस हुई। उस डिस्कस का हमारे जो हुई उसको नतीजा हम निश्चित तौर से दो चार दिन में सीएम साहब से बात करके निकालेंगे, आज कहने की स्थिति में कुछ नहीं। थैंक यू, नो कमेंट्स। मैं गृह मंत्री महोदय के सामने एक निवेदन करना चाहूँगा अपनी तीनों की तरफ से कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, कई पॉइंट्स हैं छोटे और बड़े, लेकिन मेरा गुर्जर समाज से निवेदन है कि देखिए अगली बार जब भी बैठक हो ये भीड़ नहीं होनी चाहिए, इस ये भीड़ लाने से कोई मकसद नहीं निकलता। कोई अपनी बात कह रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चले। जो लीडरशिप कर रहे हैं वो आए, पांच आदमी से ज़्यादा की कमेटी नहीं होनी चाहिए, एक मेरा पहला ये निवेदन है। ये हम अंदर मैं कर चुका हूँ अंदर निवेदन, और पॉजिटिव रहेगा मामला। सरकार हम तीनों ने साइन किए हैं पेपर पर, और उस सरकार की तरफ से साइन किए हैं, एज मंत्री साइन किए हैं, और निश्चित रूप से हम उसको सकारात्मक रूप देंगे पूरा, आप निश्चिंत रहें इस बात में। नो कमर इसके बाद आप कुछ बोल रहे हैं देखिए सरकार के साथ जो उनका समझौता हुआ है उस समझौते की अनुपालना में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये मीटिंग क्योंकि बीच में तीन महीने चुनाव थे, आचार संहिता लगी हुई थी, तो ये इसलिए आज मीटिंग की है। वो भी आज हमारी बातों से, उनकी बातें हमने सुनी है और हमारी बातें उनको बताई हमने, तो अब ये सिलसिला चलेगा। लेकिन भावना सबकी यही है कि जो हमने समझौता किया उनके साथ उस समझौते पर अमल हम कैसे कर पाते हैं। बैकलॉग की जो बढ़ती है उसको लेकर अब ये डिटेल नहीं होगी ना, बोला ना। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कि किस तरीके से विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर कह रहे थे कि अगर आपको बातचीत करनी है तो भीड़ लेकर मत आइए, अगली बार जब बातचीत हो तो कम लोग होंगे तो शांति से बात हो पाएगी। इसके पहले भी आपने देखा था जब रेलवे ट्रैक को जाम करके गुर्जर समुदाय के लोग बैठे थे आरक्षण की मांग को लेकर के, तब भी इसी तरीके का रुख विश्वेंद्र सिंह की तरफ से देखने को मिला था। फिलहाल आपको बता दें कि जो हम बात कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोग ना आए तो अच्छी से बात होगी, ये बात कही गई है विश्वेंद्र सिंह की तरफ से, सकारात्मक रही है गुर्जरों से वार्ता, ये बात भी यहाँ पर मंत्री की तरफ से कही गई। तो तीन मंत्री यहाँ पर थे, हालांकि रघु शर्मा ने कहा कि बहुत ज्यादा हम कुछ जानकारी नहीं दे सकते, उन्होंने बस इतना कहा कि जो हमने वादा किया था, जो समझौता हुआ था उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पालना के लिए कोशिशें की जा रही हैं और पॉजिटिव रही है ये मीटिंग, बस इतना कहा गया।